से फरियाद आलम जो लैब टेक्नीशियन हैं पूरा इस लैब सेंटर का जो ओपन किए हैं वो पूरा मैम को सम्मानित किए एक तरह से चादर से। और इसी बीच से रीना देवी साहिबा जो सभापति नकटिया गज हैं काफ़ी एक तरह से सकारात्मक पहलू के बिहाव पर जिस तरह से नकटिया गज को डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोगात्मक भूमिका निभाने जा रही हैं और ख़ासतौर पर फर्स्ट टाइम कहा जा सकता है कि आफ्टर जो एक तरह सभापति बनने के बाद एक तरह से ओपन करने जा रही हैं यहाँ पर लैब का जो खास जो फरियाद हैं और कहीं ना कहीं जो पढ़ लिख कर भोपाल से आए हैं वो एक तरह से अपना खोले हैं लैब। इसी बीच से कह सकते हैं तो बहरहाल मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी ऐतिहासिक लम्हाएँ काफ़ी शुभ काफ़ी एक तरह से पवित्र पाक चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं जो एक बिहार पर चीज़ें और जैसे कि फरियाद जो एक तरह से लैब टेक्नीशियन है और इसी बिहार पर एक तरह से मध्य प्रदेश से पढ़कर आया है और इंट्रोडक्शन दे रहा है खासतौर पर रीना देवी साहिबा और समाज के तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ पर वर्मा प्रसाद हैं खासतौर ज्वाला भारती श्रीवास्तव हैं और ऐसे पिंटू बाबा जो हैं कहीं ना कहीं जो लम्हा है जिस तरह से नरकटियागंज का डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोगात्मक भूमिका निभा रहे तमाम यंगस्टर नौजवान पढ़कर अगर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। जैसे कि आप जामिया देख रहे हैं साथी पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम। जिस तरह से कोई युवा पढ़ लिख कर बाहर से आता है और बिहार का लाल होता है और कहीं ना कहीं जो स्टार्टअप का दौर है इसी बीच रीना देवी साहिबा जो आई हुई खास तौर पर लाइफ लाइन डायग्नोस्टिक्स एक तरह से लैब है जो बड़े शहरों में जाकर अपना एक तरह से जाँच कराते हैं लेकिन अब आप स्मॉल सिटीज में भी अनुमंडल स्तर पर भी जो पढ़े लिखे एक तरह से फरियाद है डॉक्टर फरियाद है जो भोपाल से पढ़कर आए हैं और अपने ग्रीस क्षेत्र इलाका में एक तरह से लैब खोले। ओवरऑल हम बात करेंगे मैम कहीं ना कहीं आपका भी एक सपना है कि इस शहर को सुंदर बनाया जाए स्वच्छ बनाया जाए डेवलप किया जाए तो आपके शहर में पढ़ लिख कर जो नौजवान जो बिहार से बाहर से पढ़कर आकर यहाँ पर लैब खोल रहे हैं एक तरह से क्लिनिक खोल रहे हैं ओवरऑल क्या ये शुभकामना देंगे? जी बहुत अच्छा कर रहे हैं बिहार से बिहार के बच्चे और आगे बढ़े और हर जगह बिहार का ही नाम हो रहा है हमारे IPS IAS सारे बच्चे तो बिहार के ही हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर के बच्चे उतने नहीं कर पाते हैं लेकिन हमारे बिहार के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और ये जो डॉक्टर साहब फरियाद आलम ये बहुत अच्छे हैं और उनका सपोर्ट कीजिए लोग और नरकटियागंज में हर आगे बढ़ते रहे चाहिए कि हम लोग भी अगर बाहर जाना पड़ रहा था इलाज के लिए तो बाहर नहीं जाए यहीं पे अपना इलाज करें। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मतलब कि एज ए दिव्यांग है लेकिन इन्होंने एक तरह से हौसला बुलंद अपने किया है और आप जैसे लोग जो कहीं ना कहीं समर्पण भाव रखते हैं खासतौर पर नकटियागंज के डेवलप में तो जिस तरह से इनके हौसले पर क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है कि अगर हिम्मत अंदर से हो तो दिव्यांग हो या लंगड़ा जो भी हो जैसे भी शरीर हो लेकिन अगर दो पैर कटा रहता है तभी आदमी हिम्मत से चलता है कोई भी काम करने में अगर हिम्मत हो तो आगे बढ़ सकते हैं। इनका धन्यवाद है कि ऐसे भी रह के अपना ये अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छे कर रहे हैं। वर्मा प्रसाद जी मैंने तो देखा हर जगह आपकी उपस्थिति मौजूदगी होती है और ऐसे आपके शहर में तमाम एक तरह से लैब खुल रहा है एक तरह से कहीं ना कहीं चीफ इन्वेस्ट में एक तरह से जांच होगा ओवरऑल ऐसे नौजवानों जो पढ़कर बाहर से आ रहे हैं और आपके शहर में क्लिनिक और या लैब खोल रहे हैं ओपन कर रहे हैं क्या शुभकामना देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐसे लोग बिना पढ़े हुए भी लैब खोल दिए हैं ये तो पढ़कर आए हैं पढ़ने में और न पढ़ने में बहुत अंतर है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाली जानकारी लेकर काम कर रहे हैं ये तो पढ़ लिख कर आ रहे हैं तो पढ़ाई में लिखाई में बाबू बहुत अंतर है और एक दिव्यांग होते हुए भी इनका हौसला देखिए सबसे बड़ी हौसला देखिए कि कहाँ तक पहुँच गए और हमको विश्वास है कि नरकटियागंज के लोग जो गोरखपुर पटना जाना पड़ता था अब हमको विश्वास है कि नहीं जाना पड़ेगा। इससे बात हुई है काम प्यारा है जब काम होगा तो सारे शहर नरकटियागंज क्या बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे बेतिया के लोग भी जाते हैं पटना के लिए लेकिन जब काम अच्छा करेंगे तो जान जाइएगा बाबू काम जब होगा तब बहुत से लोग आएंगे और फरियाद आलम जी फरियाद आलम जी बहुत आगे बढ़ेंगे। जी जी तो आप आशीर्वाद दे रहे हैं? हमारा आशीर्वाद इनके साथ है हमको विश्वास है कि बहुत आगे निकलेंगे। क्या कहेंगे आप एज ए युवा है नौजवान है लेकिन सबों के एक तरह से आशीर्वाद मिल रहा है आपको ब्लेस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही गौरवान्वित होंगे आप? बहुत खुशी की बात है अगर आशीर्वाद मिल रहा है तो हमारे लिए भी अच्छी बात है और मैं ऐसे भी अच्छी बात कम से कम मान लीजिए हम डिसेबल होने के वजह से भी अगर कुछ मैंने जितना हमको लगा हम किए और ऊपर से थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि मुझे रुकने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ लेकिन
लेकिन ओवरऑल अभी आप तो एक सेकंड मतलब नौजवान है तो कहीं ना कहीं आपको आपको तो इंस्पायर करना पड़ेगा नौजवानों को, क्या कहेंगे दो सब बड़े भाई हैं हमारे इन लोगों का जिम्मेदारी है कि जो हम अपना कुछ सपना चाहते थे जो अपना करना चाहते थे वो तो नहीं कर पाए, अचानक से किस्मत ने सब कुछ बदल दिया तो हम अपने पिता का सपना पूरा करना है जी। लेकिन जो हम अपने लिए नहीं कर पाए अपना जो सोच था वो ये लोग जो सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं ये सराहनीय है और आगे बढ़ते रहे यही आशा है। आपके पिता का यही सपना था कि शहर एक तरह से डेवलप हो है ना, तो उसी सपने को एक तरह से तमाम वर्ग जाति धर्म के लोग एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी बात उपलब्धि कहा जा सकता है। मेरे उम्र के या मेरे से थोड़े आगे की उम्र का ही अब जिम्मेदारी बनता है कि आगे हमारे देश का हमारे बिहार का या हमारे शहर के गली का भी भविष्य क्या होगा जी। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब हमारे पर भार है कि हम लोग आगे किस तरह से ले सकते हैं और ये समाज का क्या रूप आगे पेश करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अभी बोले हैं ना कि लोगों का आशीर्वाद चाहिए तो भरपूर आशीर्वाद इनको मिलेगा, आशीर्वाद ही पड़ता है, जब आशीर्वाद मिलेगा ना वही फरेगा, तो इनका आशीर्वाद हम क्या हमारे पूरे नरकटिया के आदिवासी लोग से इनको आशीर्वाद। तो देखिए ये तो हुआ, लेकिन मैंने पिंटू बाबा साहब एक चीज देखा है कि ये तमाम चीजें होता है, कोई इवेंट्स होता है या कि सोशल काम होता है, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कहीं ना कहीं आज का उद्घाटन सेरेमनी था उसमें आपका बड़ा रोल रहा है, क्या कहेंगे थोड़ा सा? कहने की बात यह है कि सबसे पहले यहाँ डिग्री होल्डर आदमी यहाँ के बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डिग्री होल्डर आदमी नहीं है, जो भी इजाज़ करें डिग्री होल्डर है पढ़ लिख कर आए हुए हैं, जो भी काम करेंगे ये अच्छे रूप से करेंगे, इसका जो भी हम लोग बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए हम लोग बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे नरकटियागंज में उपलब्ध है, ये जैसे डॉक्टर साहब हैं आए हुए हैं भोपाल से डिग्री लेकर आए हुए हैं डिग्री शायद हमारे नरकटियागंज में किसी के पास। ओके, तो जैसे आप इन्हें दुआ दे रहे हैं कि सफल हों, एकदम एकदम सफल हो। मेहताब जी कहीं ना कहीं चीज़ें तो बड़ी ऐतिहासिक होती है और काफी सपोर्टिव होती है, ओवरऑल आपके गांव के लाल हैं फरियाद आलम, आपने तो बचपन से इनका बचपना देखा है और आपने भी इनका देखा है कि क्या कमाल के आइडियाज इनके पास दिमाग में है, तो फाइनली एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहे हैं, अपना एक जो ख्वाब होता है उन्होंने एक तरह से अपना एक क्लिनिक एक तरह से लैब खोला है, इन्हें क्या कंसिडर करेंगे एज ए क्या सीख देंगे? देखिए नए मशीनों के साथ आज ये लैब उद्घाटन के रूप लिया है और आधुनिकरण मशीनें सारी लगी हुई है और मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में और नरकटियागंज के आसपास के सभी क्षेत्रों का इलाज जो है हम किसी और शहर पे निर्भर होकर करवाते थे टेस्ट के रूप में हो या फिर डॉक्टरी के रूप में हो, अब मुझे पूर्ण भरोसा है कि यहाँ से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और रही बात इनके आइडियाज़ की और टैलेंट होने की, तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से अपनी पूरी पढ़ाई भोपाल से की है और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी डिग्री लेके और अपने क्षेत्र के लोगों को सेवा भाव और समर्पण देने के बारे में सोचा है, वाकई ये काबिले तारीफ है और मुझे इस बात पे भी पूर्ण भरोसा है कि ये जरूर सफल होंगे और अपने क्षेत्रवासियों के पूर्ण सेवा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये ऐतिहासिक लम्हा है और कोई भी युवा एक तरह से स्टार्टअप करता है तो कहीं ना कहीं तमाम युवाओं के दिलों का धड़कन बनता है और खासतौर पर तमाम जनप्रतिनिधि समाज के बड़े गणमान्य लोगों का अगर सहयोग मिल जाए तो कहीं ना कहीं कामयाबी निश्चित है और लोगों की भी भलाई निश्चित है। बहरहाल जामियोर के साथ पब्लिक न्यूज।